चलो अभी पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे थे ना, कल हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, कल हमने संविधान के भाग पढ़ने स्टार्ट किए थे, भाग 1, 2, 3, तीसरे पे पहुंचे थे हम। अब बातचीत बंद करनी पड़ेंगे भी क्लास में। अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11 और 12 से 35, ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे। पहले में हमेशा देश की जानकारी मिलती है, दूसरे में नागरिकता और तीसरे में मौलिक अधिकार। कल मैंने 31 तक की चीज़ें तुम्हें क्लियर की थी और बताया था 12 और 13 तुम्हारे एज सच काम के नहीं हैं। 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में ये डिबेटेबल है, ये टॉपिक ये लिखा है। इसके बाद 14 परिभाषा का मतलब बताया कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य वो होता है जो किसी भी तरह से जनता के दिए पैसे, टैक्स का पैसा आप देते हैं ना, इसका यूज़ करके संसाधन क्रिएट करके चल रहा हो। यानी इसको समझो, जो जनता के पैसे से चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सब एक राज्य की सीमा के अंदर आ गई तो उसको राज्य कह दिया गया। आउटर बाउंड्री तो अलग बात होती है, लेकिन राज्य बेसिकली वो जहाँ सबका पैसा साझे का लगा है, वहाँ सबके नियम साझे के चलेंगे। आपके घर को हम राज्य नहीं कहेंगे, हम राज्य की संपत्ति मानेंगे, बस स्टैंड को, बैंक को, पूरे देश की प्रॉपर्टी, नदी नाले पर्वत पठार, ये सब चीज़ें। जहाँ आपका कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा गया, वो राज्य की परिभाषा के अंदर आ गया। चलिए, क्या किस में? राज्य की परिभाषा में केंद्र का भी जिक्र है। अच्छा, इसको देखो ऐसे समझो, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें ना, तो आप अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भारत देश हैं। तो मैं आपको बता दूं, देश नाम कहीं लिखा नहीं है कि आप एक देश हैं, ऐसा तो आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया। पूरे देश के कंटेक्स्ट में आपको एक राज्य की परिभाषा में बांधा गया है, भारत एक राज्य है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भारत एक देश है, आपने खुद कहा है ये भारत एक देश है, लिखित में आपको नहीं मिलता। जो राज्य की परिभाषा है उसको सीमा में नहीं बांधा आपके संविधान ने। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में तो आप राज्य हैं ही हैं। आपने राज्य के लिए लिख दिया आर्टिकल 12 में कि ऐसी सभी संपत्ति जिसमें जनता द्वारा दी गया जो टैक्स का पैसा, इस तरह का पैसा है, उसका इस्तेमाल करती है, उसको हम राज्य कंसीडर करेंगे। अब ये पूछने की क्या केंद्र भी आ गया, केंद्र की चीज़ें अगर जनता के पैसे से चलती हैं तो वो भी राज्य का ही हिस्सा है। देश को आप देश न मान के एक राज्य मानेंगे, तो उस हिसाब से जितना आपका पैसा और मेरा पैसा कहीं भी लगा, वो राज्य की परिभाषा में आ गया। लेकिन हाँ, जब हम कहते हैं कि हमारे 28 राज्य हैं, तो हम इसके एरिया को डिफाइन करते हैं, हम इसकी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं, वहां फिर केंद्र से अलग मान लेना इसको, ठीक है? तो ये मत कहो कि राज्य केंद्र है, ये नहीं कहेंगे केंद्र की परिभाषा। अगर पेपर में आता है कि आर्टिकल 12 में, तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ केंद्र को परिभाषित किया गया, नहीं, वहाँ राज्य को परिभाषित किया गया। और राज्य भी वो जो आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करता है, संसाधन और चलता है। भाग 3 में स्टार्टिंग आपके काम की नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं 14, 15, 16, 17, 18। कल मैंने 5 करा दिए थे। ये किसकी बात करते हैं? ये समानता की बात करते हैं। किस किस के 14 क्या कहता है? कानून के सामने समानता। 15 कहता है जन्म स्थान, जेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 कहता है सरकारी नौकरी, लोक नियोजन। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट। 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी हर चीज़ में क्या होनी चाहिए? समानता। ऐसे ही सेम 19, 20, 21, 22 बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये स्वतंत्रता की बात करेंगे। 19 कैसी आज़ादी की बात करता है? अभिव्यक्ति की, घूमने फिरने की, दल बनाने की, रहने की, कामकाज की, हर चीज़ की आज़ादी। 20 क्या कहता है? किसी अपराधी का अगर दोष सिद्ध नहीं होगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी। 21 कहता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन का संरक्षण, आप सबकी लाइफ की सेफ्टी रखना, इस देश की संविधान ने सरकार की जिम्मेदारी बना रखी है। और 22 कहता है कोई अपराध करने वाला है, अपराध किया नहीं है, उससे पहले उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी अपराध को करने से पहले रोक लेने के लिए आर्टिकल 22 का यूज़ करेंगे। और ये बहुत कोई बड़ी बात होती है ना, जैसे आतंकवाद टाइप की, तो इसका यूज़ करते हैं। किसी जेब कतरे या छोटे मोटे चोर के लिए आर्टिकल 22 का यूज़ नहीं किया जाता। देश पे खतरा हो तो आर्टिकल 22 का यूज कर लेते हैं इस। हाँ जी, किसमें? हाँ, वो उनके पद के कारण कहा गया कि जो राष्ट्रपति के पद पे बैठा है ना, उसके ऊपर आप इस तरह के केस नहीं करेंगे। और अगर बहुत ही बड़ा कोई मर्डर में केस फंसे, फौजदारी हो, तो आप कहेंगे, वरना दीवानी मामले में गिरफ्तारी नहीं करते। वो उनके पद के कारण उनको थोड़ा सा लीनियंट दिया गया, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। अगर मान लो महाभियोग से हट गया, सच में क्राइम कर रखा है, तो फिर होगा। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे बैठा है, ये उसकी एक तरह से आपने रिगार्ड दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहा गया है राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी और फौजदारी मामले बड़े लेवल पे, दीवानी तो कभी चलेगा ही नहीं, फौजदारी भी अगर बहुत बड़ा ना हो तो फौजदारी मामले में भी उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करते। जो राष्ट्रपति है ना, उसके ऊपर ब्लेम लगाना मजाक नहीं है। और राष्ट्रपति के ये प्रावधान है आपके संविधान में कि मामले जब तक वो पद पे बैठा है नहीं चलते। एक तरह की लीनियंसी दे रखी है उनके प्रति, बाकी सबके प्रति नहीं है। ये सिर्फ उस बड़े आदमी की एक पोस्ट के प्रति है, बाकी पीएम के प्रति नहीं है। ये कुछ विशेष शक्तियों में मान लीजिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें मान लीजिए। किसमें क्या शक्ति होती है? मना कर सकता है वो। हाँ, वो तो उसकी विशेष पावर है ना राष्ट्रपति की। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे तो फिर कोई फंसेगा ही नहीं, अपने आप पे नहीं लागू होगा। चलिए, हम बात कर रहे थे 18-22 तक हो गया, 23-24 में क्या था? 23-24 में किसके विरुद्ध था? ये शोषण के विरुद्ध। 23 में था कोई जबरदस्ती श्रम नहीं कराएगा, बलात् आपको बिना बात मजदूरी पे, बिना मजदूरी दिए काम पे नहीं रखेगा, बेगार नहीं कराएगा। 24 की उम्र से कम के बच्चों के लिए 14 साल, उनको आप कारखाने, खतरनाक काम पे नहीं रखेंगे। 25, 26, 27, 28 याद है, ये धार्मिक मुद्दे थे, अपनी पगड़ी धारण करना, संलेखना और इस तरह की विधियां, ये आत्महत्या में नहीं आती। जो धर्म की चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें, जो मान्यताएं हैं पुराने टाइम की, उनको आप कानून से भी रद्द नहीं कर सकते। इसमें लिखा था हर कोई अपनी मर्जी का जैसा मन करे धर्म को अपना सकता है, बदल सकता है, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। 26 में यही था, 27 में
28 में कि टैक्स नहीं लेंगे, ये अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बना सकते हैं, और किसी को जबरदस्ती किसी प्रकार का धार्मिक कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर लिखा था किसी भी सरकारी खर्चे पर चलने वाले इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट को जबरदस्ती किसी हिंदू धर्म या किसी और धर्म की किसी कार्यवाही में भाग लेने के लिए जबरदस्ती बैठाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें फिर कई लोगों ने चिक चिक की और कई लोगों ने कहा कि हम जनगणमन नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, यूपी और तमिलनाडु की घटना है। फिर उनके हाईकोर्ट्स बीच में आए और हाईकोर्ट्स ने कहा ना ही जनगणमन भारत के हिंदुओं का गाना है और ना ही वंदे मातरम, ये नेशनल लेवल के हैं दोनों, एक नेशनल सॉन्ग है और एक नेशनल एंथम है, इसलिए आप इनको धार्मिक गाने नहीं कहेंगे और ये स्कूल में गाया जाएगा तो सबको गाना है, आप मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कहें कि हनुमान चालीसा पढ़ो या शिव पुराण पढ़ो तो गलत है। और आपको याद होगा आप जब 7वीं 8वीं में थे आपके स्कूल में महाभारत रामायण लगी हुई थी, लेकिन देखो जबरदस्ती कभी ऐसा नहीं था कि क्लास में पढ़ाई जाती हूँ, टीचर्स क्या कहते थे अपने आप पढ़ लेना, ऐसा ही था ना, इक्के दुक्के टीचर थे जो पढ़ाते नहीं थे ज्यादा, क्योंकि ऐसी किताब को पढ़ने से कोई मना भी कर सकता है जो किसी धर्म विशेष की किताब हो, जरूरी नहीं कि सब पढ़े। हाँ, टेक्स्ट बुक जो नॉर्मल है वो सब पढ़ते हैं। चलिए 28 तक हो गया, इसके बाद 29 और 30 ये किसके लिए थे, क्या नाम था उन लोगों का, जिनकी संख्या कम हो। ये संख्या कम कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा राज्यसभा? सुप्रीम कोर्ट। ये संविधान में नहीं लिखा अल्पसंख्यक कौन है, लेकिन ये लिख दिया कि अल्पसंख्यक लोगों की अपनी लिपि, अपनी जो संस्कृति है, अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपना पहनावा सेफ रखा जाएगा। और आर्टिकल 29 और 30 मदरसे खोलने, और ऐसे ही मान लीजिए कहीं पे कोई इस तरह के स्कूल कॉलेज चलाना चाहते हैं जो आपकी विशेष संस्कृति के बच्चे पढ़ लें और सीख लें तो कोई मना ही नहीं है। आर्टिकल 29 30 अल्पसंख्यक के लिए है। 31 पहले था, कल भी बात हुई थी, अब नहीं है, यहां से शिफ्ट कर दिया। कहां ले गए? आर्टिकल 300 ए में। ए मतलब है बाद में आया, पहले आर्टिकल 300 और 301 था, उनके बीच में डाल दिया आर्टिकल 300 ए, और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक कानूनी अधिकार बना दिया, जबकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार था। तो कौन सा अधिकार अब हटा दिया गया है मौलिक से? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक ना होकर कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था, अब आज इससे आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 32। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल पढ़ा ना वो सब वेस्ट है अगर सिर्फ एक आर्टिकल ना हो। कौन सा आर्टिकल? 32। 32 कहता है कोई अगर तुमसे मौलिक अधिकार छीने, आर्टिकल 14 से 30 तक जितने मौलिक अधिकार, 31 तो है ही नहीं, जितने मौलिक अधिकार थे, चाहे वो पढ़ने का था, संस्कृति का था, भाषा का था, लिपि का था, या आपके शोषण के विरुद्ध था, धार्मिक था, अगर कोई इन अधिकारों को छीने तो आपके लिए सीधा रास्ता खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 32 गारंटी देता है कि अगर कोई आपका शोषण करता है, मौलिक अधिकार छीनता है, तो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपके पास उपचार है, आप सीधे कहां पहुंच जाओ? सुप्रीम कोर्ट। अगर मामला आपके मौलिक अधिकारों के हनन का है तो सुप्रीम कोर्ट पहली प्रायोरिटी पर आपके केस को लेगा, आपकी फाइल को लेगा और आपके केस को सुनेगा। आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन इस मामले में जब कोई क्या छीन ले हमारे, तो डायरेक्ट रास्ता कहाँ का खोला गया है? सुप्रीम कोर्ट का। अब मान लीजिए कोई कहे कर्नाटका में जी सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, मैं कैसे जाऊँ? तो कहा कोई बात नहीं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आर्टिकल 226 में प्रावधान कर दिया कि आप जहाँ रहते हैं हर राज्य में लगभग आसपास में जरूर हाई कोर्ट है। आपके देश में आज की डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं, राज्य कितने हैं, इसका मतलब लगभग हर एक का होगा, बस कुछ साझे में, जैसे हरियाणा पंजाब का साझे का है, कई और भी हैं साझे में, एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट आपके आसपास होगा। अपने आसपास के हाईकोर्ट में चले जाओ, आर्टिकल 226 के तहत भी तुम सेफ हो, क्योंकि हाईकोर्ट इसके तहत भी रिट्स का यूज कर लेगा। रिट्स क्या है आगे पढ़ेंगे, एक तरह के ये मान लो कुछ राइट्स हैं जो वो लागू कर सकता है अगर किसी के मौलिक अधिकारों को छीना जाए। तो ये आर्टिकल उतने काम का नहीं है, ये जरूरत पड़े तो यूज करना। सबसे बढ़िया आर्टिकल कौन सा यूज कर सकते हैं? 32। ये कहां का रास्ता खोल रहा है हमारे लिए? सीधे संवैधानिक उपचार। कहां का रास्ता? सुप्रीम कोर्ट का। तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये आर्टिकल ना हो ना तो ये सब दावे झूठे हैं जो आर्टिकल 14 से 30 में किए गए कि आपको ये आजादी वो आजादी, क्योंकि अगर आजादी कोई छीन ले और हम कुछ कर ही ना पाए तो फिर कैसी आजादी। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। एक इंसान जिस जो घर में सबसे प्यारा होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाए तो लोग देखो उसी के शरीर को जला आते हैं, दफना देते हैं, बस उसमें से दो ही चीजें खत्म हुई हैं, आत्मा नहीं है। आत्मा को आप ऑक्सीजन या हवा मान लीजिए साइंटिफिक रूप में, और उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही। जिसकी हार्ट बीट बंद हो गई और जिसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो डॉक्टर कहते हैं डेड हो गया। आप ये देखो, एक आदमी के शरीर में बस ये दो चीज खत्म तो वो मर गया, शरीर तो एज इट इज है लेकिन वो मर गया। यही आपका संविधान है, 395 मृत समान है अगर कौन सा आर्टिकल ना हो, क्योंकि ये आपको गारंटी देता है कहां का रास्ता खोल के, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है, और उनके अकॉर्डिंग संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके संविधान में आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लिखा गया है। तो आर्टिकल 32 अंबेडकर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? 32 के बाद 33, 34, 35 आपसे संबंधित नहीं है, वो संसद से या आपकी जो ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है ना, पैरामिलिट्री है, डिफेंस है, इनसे संबंधित है। अब कल से जो हम बातें कर रहे हैं कि हम इसके सामने समान हैं, हम इस चीज में समान हैं, इतने आर्टिकल आपने पढ़े, इनमें से बस 31 सब नहीं है, बाकी सब आपने पढ़ लिया। ये सब एक सैनिक, एक सिपाही नहीं कह सकता कि मुझे भी मौलिक अधिकार दो। आपने कह दिया भाई कोई हमसे बेकार नहीं करा सकता, कोई हमसे इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता, लेकिन आप जानते हो जो ये सेना में खड़े लोग हैं ये 72-72 घंटे बिना सोए बिना खाए भी रह जाते हैं, और ये कभी डिमांड नहीं करते कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32, 33, 34 इस ये 33, 34, 35 इसी बात की तरफ इंडिकेशन देता है कि जितनी पैरामिलिट्री फौज है, डिफेंस है, इनके
लोगों पे मौलिक अधिकार बिल्कुल लागू नहीं होंगे और इनको हो सकता है दो दो चार चार छह छह दिन बिना खाए भी काटने पड़े। इनके ऊपर सारी चीजें बराबरी की लागू नहीं होती। ऐसा भी लिखा गया है कि जब देश में मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू होगा या सेना का कानून, तो भी आपके ये मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो आप 33, 34, 35 संसद की पावर्स को बयान करता है, आपके इन अधिकारों को भी किन कंडीशन में कैसे किन लोगों के लिए कम किया जा सकता है। तो यह आपसे संबंधित नहीं है, आपसे मेन संबंधित है 14 से लेकर 32 तक, और उनमें कौन सा हटा दिया गया है 31वां। 33, 34, 35 कभी एग्जाम में आते ही नहीं, 12, 13 भी नहीं आते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं 14, 17, 20 और 24 से और 32 से, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे उठते हैं। चलो ये हुआ भाग 3 की बात। भाग 4 की बात करते हैं, इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। भाग 4, इसमें आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 36 से लेकर 51 तक, जो कल पढ़ रहे थे ना और आज जो पढ़ा अब तक। अगर कोई तुमसे छीने वो सब, तो तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता खुला था? सुप्रीम कोर्ट का। इसका मतलब तुम्हारा हक है कि तुम्हें क्या दिए जाएं, मौलिक अधिकार। ये हक जो होता है ना, ये ऐसी चीज है कि हर कोई जमाना चाहता है, लेकिन ड्यूटी ऐसी चीज है जिससे हर कोई बचना चाहता है। दो चीजें होती हैं, एक आपकी जिम्मेदारी और एक आपका हक। हक तो हर किसी को चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से सब भागते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले आपको हक दिए, लेकिन बाद में आपकी जिम्मेदारी भी बताई है लेटर स्टेज में जाके। तो आर्टिकल 36 से 51 में लिखा गया है एक चीज को, एक मोटे शब्द में कहूं तो निर्देश को। एक चीज होती है आदेश और एक होती है निर्देश। ये जिम्मेदारी वाली बात मैं इसमें आगे जाके 51A में दोबारा से बताऊंगी, अभी सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन था। देखो, निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस और आदेश का मतलब होता है ऑर्डर। कौन सी चीज माननी पड़ती है और कौन से ना माने तो भी चल जाता है? इंस्ट्रक्शंस मानने चाहिए, ना माने तो आपकी मर्जी है। जैसे कहते हैं रेड लाइट जंप नहीं करना, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा ना तुम्हारा चालान आए, तो फिर लोग क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं। लिखा होता है हेलमेट जरूर पहन के रखें, कहाँ जाके हेलमेट लगाते हैं? जहाँ, मतलब वो लोग उसको क्या मानते हैं कि क्या दे रखें ये निर्देश, मानो ना मानो हमारी मर्जी। लेकिन सारे निर्देश हमेशा फायदे के लिए लिखे जाते हैं, भाई ओवर स्पीडिंग मत करो, ओवरटेकिंग मत करो, हेलमेट पहनो, रेड लाइट जंप मत करो, ये जितनी बातें हैं ना ये तुम्हारे फायदे के लिए हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, इतनी सारी बातों को रोज लोग इन लॉज को तोड़ते हैं, रोज कितने करोड़ों का फाइन इकट्ठा होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। यानी लोग इन बातों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि क्या है ये इंस्ट्रक्शंस। जब ये ऑर्डर बन जाते हैं ना, पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं और वो चेकिंग करते हैं, तो फिर देखना सब लोग हेलमेट लगाएंगे, कभी भी तीन सवारी नहीं बैठेंगे बाइक पे स्कूटी पे, हर कोई जो अपने कागज पत्री लेके चलेगा, हर किसी के सिर पे हेलमेट होगा। मास्क लगाना शुरू में इंस्ट्रक्शन था, नहीं माने लोग, फिर क्या बना दिया? ऑर्डर। जब ऑर्डर नहीं मानते ना, तो आपको उसके बदले फाइन देना पड़ता है या आपको पनिशमेंट झेलनी पड़ती है, तो लोग अपने आप सीधे हो जाते हैं। अब ये पनिशमेंट ना हो तो लोगों की आदत खराब है, काम नहीं करते। हमारे लिए भी जब तक इंस्ट्रक्शन हम मानते ही नहीं, आपकी सरकार को इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं इन आर्टिकल में, आपको नहीं आपकी सरकार को, लेकिन आपकी सरकार भी इनमें से ज्यादातर चीजों पर काम नहीं करती। इनको नाम ही दिया गया राज्य के नीति, नीति मतलब जो ये बनती हैं नीतियां, पॉलिसीज, निर्देशक तत्व। इन्हीं को आप कह देते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब स्टेट अपनी पॉलिसी बनाए, राज्य अपनी नीति बनाए, सरकार अपनी नीति बनाए, तो इनको ध्यान में रखे। अब इनमें कैसी बातें लिखी होंगी जो 100% राज्य का और जनता का क्या करेंगी? फायदा। लेकिन कितनी अजीब बात है कि आपकी सरकार भी इनको फॉलो नहीं करती, और बहुत थोड़े से आर्टिकल हैं जिनको प्रॉपर्ली सरकार मानती है, नहीं तो सरकार इनको आता जाता देख के और छोड़ देती है। मैं कुछ एग्जांपल देती हूं, ओल्ड जनरल में एक एक पढ़ाऊंगी पूरा, यहां सिर्फ मेन मेन बता दूं। जैसे 36 में फिर से किसकी बना और कौन से सन में ये आदेश बना? 1993 में। एक और एग्जांपल देखो, एक आर्टिकल 45 था, 36 से 51 तक के बीच में बता रही हूं सारे। एक आर्टिकल 45 था जो कहता था 0 to 6 years के बच्चों के लिए राज्य की जिम्मेदारी है वो अपने राज्य के हर गांव में आंगनवाड़ी खोलें। यहां जाके देखो, 0, 1, 2 साल का बच्चा तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन कहने को लिख दिया। ज्यादातर बच्चे 3 साल में घर से बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। 3 से 6 के बच्चे के लिए आपके सरकारी स्कूलों में कोई प्रावधान नहीं है। आपका सरकारी स्कूल एडमिशन लेता है जब बच्चा 5 साल प्लस हो जाता है, मतलब 6ठे साल में, उससे पहले वो एडमिशन नहीं लेता। तो ये कहा गया कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता लेकिन वो बड़ा हो गया, तो उसके लिए प्रावधान करते हैं और निर्देश दिया कि हर राज्य के हर गांव में एक आंगनवाड़ी खोल दो इन बच्चों को खासकर टारगेट बना के। लेकिन कहां माना? किसी राज्य ने बनवा दी, किसी ने नहीं बनवाई। जब नहीं बनवाई तो अब देखो प्रेजेंट में, इस साल से जोड़ के दिखाती हूं, नई शिक्षा नीति 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया, अब के बाद इस साल के बाद, इस साल तो खुला नहीं वरना आपको दिखता है, हर सरकारी स्कूल में नर्सरी क्लास को कंपलसरी कर दिया। और नर्सरी भी क्या, 3 साल की नर्सरी। अब आपकी नई शिक्षा नीति पता क्या बना दी? 5 मतलब PP1, PP2, PP3 और फर्स्ट और सेकंड, ये एक साथ पढ़ेंगी, ये 5 साल का है। इसके बाद 3rd class, 4th class और 5th class एक साथ पढ़ेंगी, 3। इसके बाद 6th class, 7th class और 8th class एक साथ पढ़ेंगी। फिर इसके बाद 4 फिर से आएंगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये इस साल से लागू होना था। आपके स्कूल खुल जाते तो आप देखते कि कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे अब टीचर्स की भर्ती करनी पड़ेगी सरकार को। कौन से टीचर्स की? जो ये वाले हैं, क्योंकि इनके टीचर्स अब से पहले, इतने साल आपकी आज़ादी को बीत गए, आज तक आपके स्कूलों में नर्सरी टीचर कहीं पूरे देश में मिला के 1000 नहीं होंगे। लेकिन अब हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में 3 साल के बच्चे का एडमिशन होगा, 3 years के बच्चे का, और 3 साल से 17 साल के
के बीच में वो या 18 के भी हो जाते हैं कुछ बच्चे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। तो अब शिक्षा का जो अधिकार था ना, इसको और एक्सपेंड कर दिया। पहले शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 के बच्चे के लिए था, अब इसमें यानी पहली से 8वीं के लिए, अब इसमें नर्सरी की भी 3 क्लासेस और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी ऐड कर रहे हैं। तुम्हें पता अगले साल चलेगा, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुले, तो ये बातें अभी ठंडे बस्ते में है। अब ये जो चीज़ बता रही हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब ये 3 क्लास आदेश बन गया। तो क्या अब इसको हर राज्य की सरकार काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। पहले सरकार कितने साल के लिए काम करती थी? 6 साल। अब सरकार को कितने साल के लिए काम करना पड़ेगा? 3 साल। पहले 0 से 6 साल या 3 से 6 साल की जिम्मेदारी निर्देश था, अब ये क्या बना दिया गया? आदेश। अब इसका आर्टिकल भी चेंज हो गया, जो पहले आर्टिकल इसमें लिखा था ना 45 में, इसको ध्यान से समझो, सब कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में लिखा था 0 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, कभी किसी ने नहीं किया, किसी राज्य ने, लेकिन अब आपके देश की सरकार ने कह दिया आर्टिकल 21A, जो आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, राइट टू एजुकेशन, जो आपके देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ अधिनियम 2009 के तहत, उसके अंडर अब देखना हर स्कूल में नर्सरी टीचर्स की भर्ती होगी। तो आरटीई का दायरा बढ़ा दिया, ये बढ़ा के अब देखो ये मौलिक अधिकार है। अब इससे पहले ये अधिकार था या निर्देश था? निर्देश था। तो अब माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तुम्हें दो एग्जांपल दिए, निर्देश कैसे आदेश बनता है। 40 आर्टिकल किस बारे में बात करता था? 40 किसके बारे में था? पंचायत। क्या पंचायत आज आदेश है? कौन से आर्टिकल से, कौन से अमेंडमेंट से? 73वां। ये 40 आदेश बना दिया 73वें से। देखो अब साफ इसको कैसे समझोगे, दो चीज़ों को याद रखना, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 45। एग्जाम्पल दो दिए हैं बस। इसमें था 40 में क्या लिखा था? पंचायत। पंचायत पहले ये क्या था? निर्देश। इसको आदेश बनाया 73वां संविधान संशोधन, 1993 के अप्रैल में लागू हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ दी संविधान में, इतने सारे चेंजेस कर दिए। तो आज ये कानून है या निर्देश है? कानून है, आदेश है, मानना पड़ेगा। ऐसे ही आर्टिकल 45 किस उम्र के बच्चों की बात करता था? 0 से 6। आंगनवाड़ी खोलो, कोई नहीं सुनता था। अब इसको आर्टिकल 21A, जो कि क्या है हमारा, क्या अधिकार है? मौलिक। अगर मौलिक छीने तो हम सीधे कहाँ का रास्ता पकड़ेंगे? क्या अब राज्य सरकारों को काम करना पड़ेगा? अब बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा, स्कूल स्तर पे। तो इसलिए नर्सरी टीचर्स की ना आने वाले सालों में बहुत ज्यादा भर्तियां होंगी। अपने आप देखना, नर्सरी टीचर्स की बड़े लेवल पे भर्तियां निकलेंगी कई साल तक, कारण अब ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ गया। कौन सा आर्टिकल भी? 45 भी। ये एग्जांपल दे रही हूँ निर्देश से कैसे आदेश बन जाते हैं जरूरत के अनुसार। तो आपका भाग 4 सब तरह के निर्देशों की बात करता है। क्लास में बातचीत नहीं करनी किसी को, ये समझ लो। पेपरों में मिलेंगे अब अगले 6 महीने, काफी सारे पेपर हैं, वहां याद नहीं आएंगे फिर कि कौन सा निर्देश कौन सा आदेश। तो भाग 4 किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्वों की। कहां से कहां? 36 से 51। इसी का एक और आर्टिकल एग्जांपल देती हूं, आर्टिकल 48। वो कहता है गौ संरक्षण करना चाहिए, भाई गाय का संवर्धन हो, गायों की संख्या बढ़े, इनका संरक्षण हो, ये करना चाहिए, ये स्टेट की पॉलिसी का मैटर होना चाहिए। लेकिन किसी ने इस पर कुछ नहीं किया। हरियाणा पहला राज्य बना जिसने 2015 में आर्टिकल 48 में लिखी बात के लिए क्या बना दिया? कानून। और अब हरियाणा में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। कोई भी राज्य अगर जरूरत समझे इन निर्देशों को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? आदेश। अपने आप भी, और अगर जरूरत पड़े तो देश की सरकार भी ऐसा कर सकती है। पंचायत को किसी राज्य ने आदेश नहीं बनाया, पंचायत को देश ने आदेश बनाया। ऐसे ही आर्टिकल 45 में शिक्षा को राज्य ने नहीं बनाया, देश ने आदेश बनाया। लेकिन गाय वाली बात को देश ने नहीं बनाया, ये राज्य ने बना लिया। तो कोई भी राज्य अपने लिए ऐसे टॉपिक्स पर जो नीति निर्देशक तत्वों में है उनको कानून, अगर वो राज्य सूची से भी मैच करते हैं, कानून बना सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ये भाग 4 की बातें थी सारी। अब नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या रहेगा बताना? 5 3 3 4। 5 मतलब क्या क्या? प्राइमरी की 3 क्लास और फर्स्ट और सेकंड। 3 का मतलब तीसरी चौथी पांचवी। 3 का मतलब 6ठी 7वीं 8वीं। और पीजीटी जिसको पढ़ाएंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। बहुत बढ़िया, ये है हमारी नई शिक्षा नीति, ठीक है। इसके बाद आते हैं भाग 5 के ऊपर। भाग 5 कितने तक आर्टिकल हमने देखे? 36 से 51। अब 52 से स्टार्ट करें। मैं सारे नहीं पढ़ा रही, इंट्रोडक्शन चल रहा है बस। ये 52 से लेके 78, 79 से लेके 122, 123, 124 और 148, बहुत काम के हैं। ये सारे के सारे दिए गए हैं भाग 5 में। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आदमी दिया गया है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट की इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी ज़्यादा, कि इनको आप महामहिम कहते हैं। ये आपके देश का पहला नागरिक है, तीनों सेनाओं का, आर्मी एयरफोर्स नेवी का प्रधान कमांडर है। और इस आदमी के टाइम में आप इसके ऊपर कोई भी केस नहीं चला सकते जब तक ये किस कुर्सी पर बैठा है? राष्ट्रपति की। इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, राष्ट्रपति जो भी बात कह देता है उसका रिगार्ड रखा जाता है। और इसको आप ये मान लो कि पूरे देश का एक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कम से कम कहने के लिए। तो आपके देश का संवैधानिक प्रमुख है, इसके नाम से सारी नीतियाँ चलती हैं। और इस एक आदमी के साइन जब तक ना हो तब तक आपके देश में क्या नहीं बन सकता? सोचो इसके साइन की कीमत कितनी है, कि इसके साइन के बाद ही क्या बनेगा? कानून। पीएम उसकी कैबिनेट कुछ कर ले, लेकिन अगर इसका साइन नहीं है तो वो कानून नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये इस आर्टिकल से स्टार्ट होता है। इसके बाद एक पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। कोई काम नहीं होता, कोई भी काम एज सच नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सपायर हो गया, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा, अपनी सीट पर नहीं है, विदेश गया है और कोई डिसीजन लेना है, उस कंडीशन में ये इसकी सीट पर बैठता है। रेयर केसेस होते हैं, अदरवाइज इसका एज सच कोई काम नहीं है। फिर क्यों बनाया इतनी बड़ी पोस्ट पर? तो इसका असली काम
है, ये राज्यसभा का सभापति है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा है, और साल के लगभग लगभग पूरे महीनों ये इसी रूप में काम करता है, क्योंकि ना तो राष्ट्रपति रोज मरने वाले हैं और ना ही राष्ट्रपति रोज विदेश जाने वाले। राष्ट्रपति अपनी कुर्सी का काम जब पूरा कर देगा तो वाइस प्रेसिडेंट को कोई काम ही नहीं है, तो इसका नॉर्मल काम किस कंडीशन में पूरा होता है? सभापति के रूप में। इसके साथ यहां पर इसी में, इस पहले पार्ट की बात कर रही हूं, यहीं पर स्टार्ट हो जाती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें सबसे बड़ा आदमी होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इस पूरी कैबिनेट का जिक्र स्टार्ट हो जाता है 74 से, और फिर 78 तक पीएम और राष्ट्रपति के रिश्ते, क्या काम राष्ट्रपति करेगा, पीएम से क्या क्या जानकारी मांग सकता है, ये सब एक्सप्लेन किया गया है इन आर्टिकल्स में। यानी तीन बड़ी हस्ती अगर तुम याद रखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीएम या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया कह लो, इन सबके ऊपर यहां से यहां तक लेकर आर्टिकल्स हैं, और 11-11 के अंतर पर हैं, 52, 63 और 74। ये बात करता है राष्ट्रपति की, ये उपराष्ट्रपति की, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया कौन है, वो पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्रिपरिषद की बात करता है, मंत्रिपरिषद के मुखिया पीएम और राष्ट्रपति के रिश्तों के ऊपर आर्टिकल 78 प्रकाश डालता है। यानी अगर एग्जाम में आए कि पीएम और प्रेसिडेंट के रिश्ते किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किए गए, तो आर्टिकल 78 में। तीनों बड़ी हस्ती समझ में आ गई, 52, 63 और 74, एक आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, भाग 5 का पहला अध्याय, इसमें ये तीनों बड़ी हस्ती एक्सप्लेन की गई। फिर दूसरे पार्ट में क्या है, 79 से लेकर 122 तक, ये सुनते चलो पहले, फिर ये सब बुक में दिया हुआ है, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी संसद, आर्टिकल 79 किसका जिक्र करता है, संसद का। 78 में किसके रिश्ते थे, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के, कौन सा आर्टिकल स्पेशल था, 78। 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन था, वो पीएम, और 63 में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट, और 52 में क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां से संसद स्टार्ट हो गया, मेजर मेजर बात करेंगे, संसद 79 में, फिर इसके बाद है राज्यसभा 80 में, इसके बाद है लोकसभा 81 में, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कहां था राष्ट्रपति, 52 से स्टार्ट हुआ था, चला वो दूर तक था, 62 तक उसी के बारे में था, लेकिन मेन 52 में था। उसके बाद संसद का पहले उच्च सदन लिखा गया, फिर लिखा गया संसद का निम्न सदन। मैंने शायद एक दिन आपको बताया था इसको उच्च क्यों कहते हैं, दो काम है बस इसके, ज्यादा, वैसे ज्यादा पावरफुल कौन होती है, लोकसभा, लेकिन ऊंचा सदन किसको मानते हैं, दो पावर क्या क्या है, ध्यान से सुनो। आपके देश में नए IAS, IPS, IFS, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, यही नाम है ना इनका, अखिल भारतीय सेवाएं, अगर ये नई क्रिएट करनी है, नई बनानी है, तो ये पावर आपके देश में सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, राज्यसभा। लोकसभा नए IAS, IPS नहीं बना सकती पोस्ट पर, नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो राज्यसभा, एक पावर, जिस कारण ये ऊंची है। दूसरी पावर, मैंने आपको लिस्ट कराई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट, समवर्ती सूची, राज्य सूची, राज्य सूची के किसी विषय को उठा के ये केंद्र को सौंप सकती है। केंद्र का विषय राज्य को नहीं मिलेगा, लेकिन राज्य का विषय केंद्र को मिल सकता है, और कौन करेगी इस काम को, भाई राज्यों की सभा ही अपनी सूची को हिला सकती है ना, लोकसभा कौन है उनकी सूची में दखल करने वाली। तो ये दो पावर्स हैं, जिस कारण ये कौन सा सदन बन गई है, उच्च सदन। मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि आपके देश में एग्जीक्यूटिव दो तरह से काम करती है, कार्यपालिका, एक होते हैं चुने हुए आदमी एग्जीक्यूटिव के, जिसको आप क्या कहते हैं, तीन, तुम्हें याद है मैंने क्या क्या बताई थी, ये पहली क्या थी, लेजिस्लेटिव, और उसके बाद लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, और तीसरे क्या थे, जुडिशरी। याद करो, एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स बताए थे, एक परमानेंट, जो आए जाए नहीं हमेशा रहे, इसमें कौन लोग थे, हाँ, अगर आप एक शब्द में कहें तो सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज कह लो, और यहां अगर कहें तो ये टेम्परेरी, कौन लोग थे ये, MPs, राज्य है तो MLAs, कौन आते और जाते रहते हैं, लेकिन कौन अपनी नौकरी पे बने रहते हैं, देश का पूरा कामकाज किसकी मर्जी से होता है, तो MPs, लेकिन कौन नियम बताता है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। यानी एग्जीक्यूटिव का असली काम जो करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो परमानेंट हैं, और शायद मैंने आपको बताया होगा इन्हीं को ये अपने सेक्रेटरी बना लेते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी जरूर मिलता है, चाहे वित्त हो, रेलवे हो, कोई भी डिपार्टमेंट, विदेश हो, हर एक का सचिव मिलेगा। ये जो परमानेंट IAS वाले लोग हैं ना, ये असली में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन नाम इनका नहीं होगा, नाम किसका होगा, MPs का, ये लिखा हुआ है मंत्रियों का। अब आपके यहां पे ये जो नए IAS, IPS बनाने हैं, तो ये पावर किसको पकड़ा रखी है, तो तुम देख लो, एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा हिस्सा बढ़ाना या घटाना किसके हाथ में है, तो इसलिए कौन सा सदन है, ये उच्च सदन। दो पावर समझ में आ गई, नए IAS, IPS, IFS, अखिल भारतीय सेवाएं, और दूसरा राज्य सूची का विषय किसको सौंप सकता है, केंद्र को, इसलिए ये उच्च है, तीन आर्टिकल लगातार में। इसके बाद ये क्या करेंगे, हमें यहां तक पढ़ना है, इसके बाद सारा कानून बनाने का प्रोसेस, कानून कैसे बनता है आपके देश में, पहले क्या लाए जाते हैं, बिल, बिल को आप क्या कहते हैं, विधेयक। विधेयक दो तरह के होते हैं, ये जो बातें बता रही हूं ना, कुछ दिन बाद फिर इन सबको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, और फिर किताब से पढ़ेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार होगा तो किताब समझ आएगी, वरना नहीं। ध्यान से सब लोग फोकस रखो, क्या पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक क्या है, बिल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, आपके देश में संविधान के अकॉर्डिंग दो टाइप के विधेयक होते हैं मेन, एक को आप कहते हैं जी ये हैं साधारण विधेयक, और एक को आप कह देते हैं जी ये हैं धन विधेयक। वैसे एक वित्त विधेयक भी होते हैं आर्टिकल 117 के तहत, लेकिन वो आपके लेवल पे काम नहीं आएंगे, आप धन विधेयक से जुड़ा समझ लो, पेपर में वही आएगा। आपका साधारण और धन विधेयक हमेशा 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 कंडीशंस के साथ पेश किए जाते हैं। पहले हम धन को समझ लेते हैं, सारा खेल आपके देश में पैसे का है, इसी को आप बोलते हैं मनी बिल। एक फाइनेंस बिल होता है, एक मनी बिल, तुम्हारे लिए मनी बिल इंपॉर्टेंट है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून जब बनवाना होता है, मान लीजिए हमें कानून बनवाना कुछ भी, उसके लिए हमें पहले क्या लाना पड़ेगा,
बिल या विधेयक, ये पेश किया जाएगा, फिर इस पर बहस होगी, फिर ये पारित होगा, एक सदन से पारित होकर दूसरे में जाएगा, वहां बहस करेंगे, फिर वहां से पारित होगा, वहां से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो साइन करेगा तो ये कानून बनेगा, अदरवाइज ये कानून नहीं बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, मनी बिल को हम लेकर चल रहे हैं, मनी बिल की कंडीशंस हैं, ये नॉर्मल बिल नहीं है, पैसे से जुड़ा बिल है, तो पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, केवल कहां पेश हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लोकसभा में इसको सिर्फ और सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है। मंत्री कौन होते हैं? क्या सारे एमपी मंत्री होते हैं? मैंने एक दिन बताया था मंत्री कौन होते हैं। अभी कल आपने देखा आपके मंत्रिपरिषद में फेरबदल हुआ है, पता चला आपको? कई लोगों ने मर्जी से इस्तीफा दे दिया, कई लोगों ने दबाव में इस्तीफा दे दिया। आपके स्वास्थ्य मंत्री, बड़ी खबर थी कल की, क्या नाम? डॉक्टर हर्षवर्धन। पेंडेमिक में उन्होंने कहा भाई काम नहीं संभाल पाए तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन बहुत हद तक ये डिसाइडेड था कि इनका इस्तीफा लिया जाएगा। मंत्रिपरिषद, शायद मैंने आपको बताया था, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन तरह के मंत्री होते हैं, कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर, बताया था ना ये? तो कल आज जाके दोबारा देखना, कल बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है पूरी मंत्रिपरिषद में, कुछ नए चेहरे आए हैं, कुछ पुराने चेहरे हटा दिए गए हैं, तो आज जाके इस खबर को थोड़ा सा पढ़ना, अब तुम्हें समझ में आएगी। ये अखबार में भी आया होगा, आज फ्रंट पेज की न्यूज रही होगी कैबिनेट वाली। अब ध्यान से सुनो, एमपी 543 थे सारे के सारे लोकसभा के, इनको जनता ने बना के भेजा, चाहे ये बीजेपी के थे कांग्रेस, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये सब एमपी थे। इनमें से 303 आदमी स्पेशल किसके थे? यही सरकार में आए। इन 303 में से 81 सिर्फ लोग टोटल क्या बन सकते थे? मंत्री। तो सब मंत्री नहीं बनते, मंत्री की पावर ज्यादा होती है, मंत्री का ओहदा बड़ा होता है, मंत्री को ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा बहुत सारी तरह के भत्ते और नहीं क्या क्या मिलता है। तो मंत्री हर कोई नहीं बनता, मंत्री किसके चहेते लोग बन पाते हैं? पीएम जिसको चाहेगा उसको मंत्री बनाएगा, हर कोई मंत्री नहीं बन सकता। अब आप ये देखो कि आपके देश में एमपी तो सारे हैं लेकिन मंत्री तो लिमिट के हैं ना। मैं इसको क्यों बता रही हूं? क्योंकि धन विधेयक सिर्फ कौन पेश करेगा, तो इस बात से ये क्लियर हुआ कि जिसकी सरकार है उसी का आदमी धन विधेयक पेश करेगा, गैर सरकारी या जो सरकार में नहीं है वो धन विधेयक पेश नहीं करेगा। राज्यसभा में ना ये पेश हो सकता और ना राज्यसभा का कोई इसको आदमी पेश करे, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो सांसद हो, ठीक है? ये धन विधेयक की बात है, पहली बात। दूसरी बात, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन, लोकसभा में धन विधेयक जब पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, तो ये कौन सी सभा में जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा फाइल होती है, विधेयक बेसिकली एक फाइल होती है, जब वो फाइल आती है ना तो उस फाइल पे लोकसभा के अध्यक्ष के साइन होते हैं और उसकी स्टैंप लगी होती है। ये कानून है, ये नियम है कि धन विधेयक पे लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसके सिग्नेचर और स्टैंप होंगे आर्टिकल 110 के तहत। इस फाइल को देखते ही राज्यसभा अलर्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि अगर आर्टिकल 110 के तहत आपके पास फाइल आती है तो आपको वो फाइल विद इन 14 डेज पारित कर देनी है। कितने दिन के अंदर? अगर आप पारित नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोकसभा को, वो इसको ऑटोमेटिकली मान लेगी पारित कर दिया चाहे आपने नहीं किया, और वो सीधे इसको पहुंचा देगी देश के किसके पास? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को देखो, एक बार भी मना नहीं कर सकता धन विधेयक पर। राष्ट्रपति जैसे ही देखेगा आर्टिकल 110 के तहत फाइल आई है, पहली बार में ही राष्ट्रपति इस पे बिना कुछ कहे साइन करेगा। क्यों? ऐसा क्यों? जबकि राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनी बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है, पहले ही राष्ट्रपति को फाइल दिखा देते हैं, सर ये मनी बिल है हम लोकसभा में पेश करेंगे, इसका ये मतलब है, इसका ये फर्क पड़ेगा। तो सारी बातें पहले से किसको पता होती हैं? उसकी मर्जी के बाद, उसके अनुमोदन के बाद पेश किया ना। अब आप मना कैसे कर सकते हैं जब आपसे पूछ के हमने काम किया? इसीलिए सिर्फ लोकसभा में पेश हुई थी, मंत्री ने पेश की थी, राज्यसभा को सिर्फ कितने दिन दिए गए थे, और फिर फाइल कहां चली गई? और पहली बार में ही राष्ट्रपति इस पे चाहे ना चाहे साइन कर देगा। इसका मतलब धन विधेयक में इकलौती पावर किसके हाथ में दे रखी है? और आप सब जानते हैं लोकसभा का नेता आपका पीएम है। कौन है वो पीएम? यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज मोदी हैं लेकिन पहले वो नहीं थे। जो भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है वो लोकसभा का नेता होता है, वही पीएम बनता है। लोकसभा के हाथ से सारा पैसा निकलता है, यही सारी चीजों के डिसीजन मेकर हैं। राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया, अपनी इज्जत अपने हाथ है। राज्यसभा की समझदारी है कि वो फाइल पढ़े और तुरंत वापस कर दे। कितने दिन के अंदर? अगर नहीं की तो फिर किसके पास जाएगी राष्ट्रपति? तो अपनी बेइज्जती कराने में क्या रखा है? 14 दिन में पढ़ो, अच्छा कुछ लगे पॉइंट तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई सजेशन देना है तो दे दीजिए, इनको आजादी है 14 दिन के अंदर। अगर आपको लगता है कि हमें कोई सजेशन देना है, कोई पॉइंट हमें लग रहा है कि और जोड़ लो, तो ये पॉइंट लोकसभा को बता दें। लोकसभा की मर्जी है वो उस पॉइंट को, उस सजेशन को माने या ना माने, फाइनल डिसीजन हर तरह से किसका माना जाएगा? किन बिल्स की बात हो रही है ये? तो मनी बिल्स की ही सारी कहानी है। पूरा देश पैसे के लिए ही मरता है, पैसे के लिए ही सब लोग काम करते हैं, और उसमें पावर किसके हाथ में दे रखी है? लोकसभा के हाथ में। क्लियर ये पॉइंट? अब अगले बिल की बात करते हैं जिसको हम क्या कह रहे थे, साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल। साधारण क्यों अलग है, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, ये कहीं भी पेश हो सकता है। कहीं भी मतलब तुम्हारा मेरा घर तो नहीं हो सकता, कहीं भी से का मतलब है लोकसभा में भी और राज्यसभा, कहीं भी। दूसरा पॉइंट, इसे कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी तुम और मैं नहीं, इसका मतलब है मंत्री भी और दूसरे लोग कौन थे, सांसद या एमपी भी। एमपी ज्यादा है या मंत्री ज्यादा है? एमपी टोटल कितने थे, 543, उनमें से कितने मंत्री बन पाए? क्योंकि एक रूल है कि 15% ज्यादा मंत्री बन ही नहीं सकते, तो इसको कोई भी पेश कर सकता है, मंत्री भी और सांसद भी। जिन बिल्स को सरकार पेश करती है ना, जो सत्ता में है, उनको हम कहते हैं सरकारी विधेयक है, सरकारी बिल है। और जिनको सरकार नहीं विपक्षी पेश करते हैं उनको हम कहते हैं गैर सरकारी बिल है, गैर सरकारी विधेयक। तो नाम से पकड़ जाओ, सरकारी सरकार पेश करेगी और गैर सरकारी जो सरकार में नहीं बैठे वो पेश करेंगे। क्या गैर सरकारी धन विधेयक हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कौन पेश करेगा, मंत्री। तो गैर सरकारी कैसे हो सकता है? अभी पीछे मैंने कंडीशन लिखी ना, केवल मंत्री। तो क्या धन विधेयक गैर सरकारी हो सकता है? कभी नहीं, गैर सरकारी साधारण विधेयक हो सकता है। अब देखो, इतनी बात तो समझ में आई। अब मान लो हमने बिल पेश कर दिया साधारण,
एक इमेजिन करते हैं लोकसभा में पेश किया, पहले पेश किया जाता है, फिर इस पे बहस होती है, डिबेट होती है क्या सही क्या गलत, और फाइनली इसको क्या कर दिया जाता है, पारित। पारित करने का ना तरीका होता है, किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए जरूरी है आपको बहुमत मिले। बहुमत के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है साधारण बहुमत। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस क्लास में किसी बात पे, कोई मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई कितने लोग 7 बजे आ सकते हैं, हाथ उठाओ, तो मान लो आधे से कम लोगों ने हाथ उठाया, तो हम कहेंगे नहीं मेजोरिटी नहीं आ सकती, तो हम 7 बजे का टाइम ना करें। बहुमत का मतलब होता है ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, बहुत मतलब ज्यादा लोग क्या चाहते हैं। साधारण बहुमत का मतलब है 50% से प्लस एक फालतू हो जाए बस। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 150 बैठे हैं, तो 75+1 हो गया ना 76, तो इसका मतलब बहुमत मिल गया। लेकिन कैसा बहुमत है वो? बहुत सारे कामों में आपको विशेष बहुमत चाहिए। विशेष होता है टोटल जितनी सीट्स हैं उसका 2/3 हाँ करे। जैसे अगर आप लोग यहाँ 150 बैठे हैं और मैं कह रही हूँ हम टाइम 7 बजे का कर दें, तो अगर आप में से 76 लोग कहते हैं हाँ कर दो, तो कौन सा बहुमत है वो? साधारण से काम नहीं चलेगा, बड़ी बात है। तो हम इसमें विशेष देखें तो कितने लोग हाँ करें? 100, तो हम कहेंगे विशेष बहुमत ने इसको पारित कर दिया। विशेष बड़ी चीज़ों के लिए चाहिए और छोटी चीज़ों के लिए साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपके घर में है, मान लीजिए शादी ब्याह का मामला है, तो शादी ब्याह के मामले में ज़्यादातर घर वाले जो हैं भाई भाई बंधु सबके साथ डिस्कशन करें, तो विशेष बहुमत की कोशिश की जाती है ज़्यादातर लोग मान जाएं, या साधारण से काम चल जाता है। कहीं प्लॉट लेना है हमें, शहर में घर बनाना है, हमें गाड़ी कौन सी लेनी है, तो एक की मर्जी से लेती है डिस्कशन के बाद। ऐसे ही यहाँ होता है, यहाँ भी बहुमत चाहिए होता है। तो आपके दो तरह के बिल्स आपको समझ में आए, कौन कौन से बिल समझ में आए? एक साधारण विधेयक है और दूसरे धन। साधारण कहाँ पेश हो सकता है? कहीं भी, लोकसभा, राज्य। धन केवल कहाँ होगा? धन को सिर्फ कौन पेश करेगा? इसका मतलब ये हर हाल में इसको कौन पेश कर सकता है? एमपी भी और मंत्री भी। तो ये सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी। इसको कितने दिन रोका था राज्यसभा ने? हाँ, लेकिन साधारण में पावरफुल है राज्यसभा। अब ध्यान से सुनना इसको भी, राज्यसभा में कोई बिल आया, लोकसभा ने बिल को पेश किया, पारित किया बहस करके, अब वो कहाँ गया? राज्यसभा। राज्यसभा में अगर बहस में ये पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा नहीं कहती कि भाई ठीक है, कहते नहीं भाई हमें तो गलत लग रहा है, हम पारित नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में वो विधेयक बीच में लटक गया, एक ने पारित कर दिया, एक ने पारित नहीं किया, तो लोकसभा राष्ट्रपति को बीच में लाएगी और राष्ट्रपति से कहेगी कि सर देखिए हमने ऐसे ऐसे एक विधेयक पारित किया था, राज्यसभा ने उसको नहीं पारित किया, तो राष्ट्रपति कहेगा कोई बात नहीं टेंशन मत लो, दोनों को इकट्ठे बुला लेता हूं और क्या रख देता हूं? जॉइंट सेशन। आपके देश में जॉइंट सेशन की कंडीशन है, तीन कारणों से आपका संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, इसमें लोकसभा राज्यसभा सब एक साथ बैठेंगे, यानी 543 उनके और 245 इनके, तो 700-750 लोग इकट्ठे। ये संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा आपके देश का? राष्ट्रपति। कब बुलाएगा? जब एक पारित कर दे और दूसरी पारित ना करे, ये कंडीशन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी सुनो, एक ने पारित कर दिया, दूसरी ने भी पारित कर दिया, किसके पास गई फाइल? प्रेसिडेंट ने कहा मुझे गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा चेंज करो, बदलाव करो, फाइल वापस भेज दी। साधारण को वापस भेजता है, धन को नहीं। पहली बार में इसने साइन नहीं किया, फाइल वापस किसके पास आ गई? लोकसभा। लोकसभा ने पढ़ा, यार इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो चेंज कर लेते हैं, कुछ चेंज कर दिया। चेंज को आप बोलते हैं संशोधन। वो चेंज इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा जो पहली फाइल थी वो ठीक थी, ये चेंज तुम्हारे से हम जो है एग्री नहीं करते, ठीक है मत करो एग्री। ये फिर शिकायत किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या बुलाएगा? संयुक्त बैठक। ये दो अलग कंडीशंस हैं, पहली कंडीशंस में डायरेक्ट मना किया था, दूसरी में पास कर दिया, लेकिन जब चेंज करके वापस आई फाइल तो बोले हम चेंज के साथ पास नहीं करेंगे। इस कंडीशन में भी क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। तीसरी कंडीशन, ये सेकंड थी, सेकंड में देखो दो बात है, पहली में एक, तीसरी कंडीशन एक पारित कर दे कोई एक और दूसरी 6 महीने तक उस फाइल को खोले ही ना। मना नहीं कर रहे, फाइल खोली नहीं, कितने महीने बैठे रहे? 6 महीने, काम ही नहीं किया। अब ये फिर शिकायत करेंगे, सर ऐसे ऐसे बिल गया था, 6 महीने हो गए, अब तक इन्होंने ना हाँ ना कुछ कहा ही नहीं, ना वापस भेजी ना कोई सजेशन। ये कहेगा चिंता मत करो, क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। ये तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में एक ने पारित की, एक ने फाइल मना कर दी, दूसरी में दोनों ने पारित की, किसके पास गई थी? राष्ट्रपति। साइन नहीं किए, बोला थोड़ा गड़बड़ लग रही है एक बार पुनः विचार कर लो। अब इसने चेंज किया, वो चेंज दूसरी को पसंद नहीं आया, तो ये चेंज ना पसंद आने पे फिर से बैठक। तीसरी में एक ने पारित कर दी, एक ने कितने महीने बैठा के रखी फाइल? 6 महीने। तो इन तीन कंडीशन में क्या बुलाई जाएगी? आज तक इंडिया में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज का मामला था, कोई उस पर कानून बनाना था, तो तू तू मैं रही बात नहीं बनी, संयुक्त बैठक। नेहरू उस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर थे, 1961। दूसरी बैठक बैंकों से जुड़े किसी मुद्दे पर बुलाई गई थी, 77 के आसपास। और तीसरी बैठक जो लास्ट बैठक हुई आज तक की, वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा एक अधिनियम लाने वाले थे, जब हमारी संसद पर हमला हुआ था ना, सन 2001 की घटना है। तो ये कहा गया कि भैया आतंकवादी तो सिर पे चढ़ गए और आज अगर ये यहां हमला कर रहे हैं तो कल ये कुछ भी करेंगे। उनमें से जब आतंकवादियों का पता लगाया तो पता चला कि कुछ आतंकवादी 10-10 साल, 8-8, 9-9, 10-10 साल से आम लोगों के बीच में अपना राशन कार्ड बनवा लिया, किराए पे घर ले लिया, वहीं पूरी बस्ती में रह रहे हैं आराम से, हैं वो आतंकवादी। तो फिर सरकार ने कहा कि हमें प्रिवेंशन करनी है टेररिज्म की, तो पोटा एक एक्ट लाया जाए जिसके तहत जिस पे शक हो उसी को पुलिस गिरफ्तार करे, उसको 3rd degree का टॉर्चर दे और उससे सारी बातें निकलवा ले। ये सुन के तो लग रहा है ठीक है, लेकिन इसमें आम आदमी भी तो फंस सकता है ना, पुलिस आके किसी भी लड़के को उठा लेगी कि ये आतंकवादी है, खूब मारेगी पीटेगी, गलत है ये। तो इसलिए पोटा को पारित नहीं होने दिया गया और इस तरह से आपकी संयुक्त बैठक का लास्ट आज से 20 साल पहले लगभग 2003 में हुई थी। उसके बाद आज तक आपको संयुक्त बैठक की जरूरत पड़ी ही नहीं, इसका मतलब ये तीन कंडीशंस पैदा ही नहीं हुई। किस किसके बीच में गड़बड़ होती है? लोकसभा और राज्यसभा, तब क्या बुलाई जाती है? तो आज तक कितनी बार बुलाई गई है?
पहला कारण था दहेज के ऊपर, दूसरा बैंकिंग का, और तीसरा क्या बताया, कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये सब बातें कहाँ लिखी हैं, भाग पांच में। अभी मैंने आर्टिकल लिखा था, कितने से स्टार्ट था वो, 79 से 122। इसमें धन विधेयक है 110 में, संयुक्त बैठक है 108 में, इसी में फाइनेंस के जो बिल है 117 में, 111, 100, सब इसी के ऊपर है। जितनी देर से बोल रही हूँ ना, ये सब इनके बीच में लिखा है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और 82 से लेके 122 तक सारे के सारी कहानी है, जिसमें कैसे क्या विधेयक, कैसे नियम बनेगा, कैसे कानून, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई है? बताओ राष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल है? हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेन कौन सा है? 52। और उपराष्ट्रपति के लिए और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए 74। कहां राष्ट्रपति और पीएम के संबंधों का जिक्र है? 78। 79 में क्या है? संसद। 80 में राज्यसभा। राज्यसभा को पहले क्यों लिखा गया? उच्च सदन। दो पावर बता दो उच्च की, आईएएस आईपीएस, नए सिविल सर्वेंट अगर बढ़ाने हैं तो किसके हाथ में पावर है? और दूसरा क्या बताया, राज्य सूची का विषय केंद्र को सौंप सकता है। कितनी तरह के बिल्स हैं आपके यहाँ? कौन कौन से? साधारण और धन। धन विधेयक केवल कहाँ पेश होंगे? लोकसभा। कौन पेश करेगा? मंत्री। सरकारी या गैर सरकारी? धन विधेयक सिर्फ सरकारी होंगे, जबकि साधारण सरकारी भी हो सकते हैं और गैर। मंत्री भी पेश कर सकता है और सांसद भी, लोकसभा में भी बैठ सकते हैं और राज्यसभा। धन विधेयक पर ज्यादा मजबूत स्थिति किसकी है? लोकसभा की। कितने दिन राज्यसभा रोक पाई? क्या राष्ट्रपति मना कर देगा साइन करने से? कौन से विधेयक पे मना कर देगा? कौन से विधेयक पे? साधारण पे, तभी तो वापस जाता है। लेकिन दूसरी बार में साधारण को भी मना नहीं कर सकता, दूसरी बार में साधारण पे भी राष्ट्रपति क्या हो जाता है? बाध्य। यानी राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती। धन में वो एक बार भी मना नहीं करेगा, कारण है धन उसकी परमिशन लेके पेश किया गया, तो कैसे मना कर दोगे जब पहले हाँ कर दी, आपका अनुमोदन था। साधारण को बिना उसकी परमिशन के पेश किया तो पहली बार में मना कर सकता है, दूसरी बार में क्या हो जाएगा? बाध्य। आज हमने भाग पांच के दो अध्याय देख लिए। पहला कहां से कहां स्टार्ट था? 52 से 78 और 79 से 122। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम और विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक और कानून की पूरी प्रक्रिया आ गई। कल इसके आगे पढ़ेंगे।